बच्चों, आज हम लेके आए हैं प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल का दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। बच्चों, आपको पता है कि अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो ROH होता है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अल्कोहल जो रिएक्शन करेगा वो दो तरीके से करता है। पहली तो ये कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा अल्कोहल में OH के बीच वाला, और दूसरी रिएक्शन होती है तब जब बॉन्ड ब्रेक होता है ROH यानी कि R और O के बीच वाला। क्या आपको क्लियर है? तो आइए देखते हैं पहले ये वाली रिएक्शन और फिर ये वाली रिएक्शन। तो पहला लेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल, रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें पहला रहेगा बच्चों, दे गिव एल्कोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो हमारे अल्कोहल होते हैं वो मेटल के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करके एल्कोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। आइए रिएक्शन के साथ क्लियर करते हैं। जनरल रिएक्शन है ROH प्लस Na, तो बना हमारा RONA और यहाँ से OH के बीच का बॉन्ड टूटा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। इसका कॉमन नाम होगा सोडियम एल्कोक्साइड। लेकिन अगर हम मिथेनॉल लेंगे और सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन जो होती है बच्चों रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती है, और रूम टेम्परेचर पे जब रिएक्शन होती है तो उसको बोलते हैं @RT। क्या क्लियर है? होल जो होते हैं वो मेटल के साथ रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाते हैं, हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जब सोडियम के साथ में मिथेनॉल को हीट करेंगे तो OH के बीच का बॉन्ड टूटा, CH3ONA बना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, इसको बोलेंगे सोडियम मिथोक्साइड। यहाँ पे इसका नाम भी मेंशन कर देता हूँ, उसका नाम होगा सोडियम मिथोक्साइड। अब अगर हम लोग इथेनॉल लेते हैं CH3CH2OH और इथेनॉल को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये कहलाएगा हमारा मैग्नीशियम इथोक्साइड। क्या आपको क्लियर है? और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बाहर निकल जाएगी। अब इस पे डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सर अल्कोहल तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो आपको पता है कैसे चलेगा कि कौन सा अल्कोहल लेना चाहिए जिससे कि हाइड्रोजन गैस इजीली बन जाए, और कौन सा ऐसा अल्कोहल होगा जो मेटल के साथ रिएक्शन डिफिकल्टी से देगा या नहीं देगा? तो उसके लिए आपको ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स याद करना है। यहाँ पे इस ऑर्डर को देखेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि वो अल्कोहल जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होता है वो अल्कोहल मेटल के साथ बहुत जल्दी और इजीली रिएक्ट करता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल में 3 कार्बन लगे होंगे तो ये डिफ़िकल्टी से पुअरली रिएक्ट करेगा, लेकिन मिथेनॉल में केवल 1 कार्बन है तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन करने वाला अल्कोहल है। अब दूसरी रिएक्शन लेते हैं बच्चों, एस्ट्रिफिकेशन। डिफरेंट एग्जाम में एग्जामिनर की फेवरेट रिएक्शन है ये, इससे वो क्वेश्चन जरूर देता है, तो आप भी देख लीजिए क्या होता है एस्ट्रिफिकेशन। Alcohols react with carboxylic acids in presence of, बच्चों ये presence को short में लिखा हुआ है, presence of few drops of concentrate H2SO4 to give fruity smelling or odoring ester। जब किसी भी carboxylic acid और alcohol को आप react कराते हैं concentrate H2SO4 की presence में तो वहाँ पे एक compound बनता है जिसका नाम ester होता है और इसमें से fruit की जैसी smell आती है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। पहला जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन कराया कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, ये हमारा एस्टर बनता है। आप जानते हैं जिस कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है वो कंपाउंड एस्टर कहलाता है। एस्टर में हमेशा बच्चों फ्रूट स्मेल आती है और वाटर रिलीज होता है। वाटर को निकालने के काम कंसंट्रेट H2SO4 का होता है क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिया है एसिटिक एसिड और मिथेनॉल का रिएक्शन दिखाया है, कंसंट्रेट H2SO4 लिखा है, तो समझ जाइए रिएक्शन कौन से होने वाली है, एस्ट्रिफिकेशन। कंपाउंड जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, एस्टर, और साथ में बनेगा साइड प्रोडक्ट वाटर। अब इस पे डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे अल्कोहल भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो बच्चों इसी पे बेस क्वेश्चन आता है कि बताइए किसके अंदर रिएक्शन इजीली होगा, किसके अंदर डिफिकल्टी से होगा। याद कर लीजिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वो अल्कोहल जिसमें कार्बन का नंबर कम है वो बहुत जल्दी एस्ट्रिफिकेशन में रिएक्शन देता है, लेकिन वो अल्कोहल जिसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा है वो डिफिकल्टी से रिएक्शन देता है। तो ये ऑर्डर आपको क्लियर हुआ। अब लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ध्यान दीजिएगा
डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग यहाँ से इस तरफ बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये वाला जो फॉर्मिक एसिड है इसमें केवल एक कार्बन है, ये लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपको ध्यान रखना है कि एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में चाहे वो एल्कोहल हो या फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अगर रिएक्शन को ईजिली और फास्टली कराना है तो वहाँ पर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन का नंबर कम से कम होना चाहिए। अगर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं तो उनमें से वो एल्कोहल या वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन का नंबर कम होगा वो बहुत जल्दी और झट से देगा हमारी एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, लेकिन अगर कार्बन का नंबर ज्यादा होगा तो चाहे एल्कोहल हो या फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो उसमें रिएक्शन पुअरली जाएगा। जो वाले पॉइंट डिस्कस करते हैं आपके साथ जहां से डिफरेंट एग्जाम्स में से बहुत सारे पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं, तो आइए वो पॉइंट नोट कर लेते हैं। पहला है, व्हेन HCl गैस इज यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4 देन इट इज कॉल्ड फिशर स्पीयर रिएक्शन। अगर आपने एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में कंसेंट्रेट H2SO4 की जगह वहां पर अगर आप HCl गैस यूज कर रहे हैं, यानी ये यूज नहीं कर रहे हैं और HCl गैस यूज करते हैं, तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन जो होती है उसका नाम हो जाता है फिशर स्पीयर रिएक्शन या फिशर स्पीयर एस्ट्रिफिकेशन, ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट रहेगा, OH ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिल एसिड एंड H फ्रॉम एल्कोहल कंज्यूम टू गिव एस्टर। ये तो बच्चों काफी कॉमन क्वेश्चन रहा है डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम का कि भाई आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी OH होता है, एल्कोहल के अंदर भी OH होता है, तो आपने देखा एस्ट्रिफिकेशन में वाटर बनता है, वाटर में होता है H2O, हम उसको बोल सकते हैं HOH। तो क्वेश्चन ये आता है कि बताइए कहां से निकलेगा OH ग्रुप। तो देखिए, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें भी OH ग्रुप है, ये हमारा एल्कोहल है इसमें भी OH ग्रुप है, हमने यहाँ पे इसकी लेबलिंग की हुई है O18 लिखा हुआ है। लेबलिंग का मतलब होता है कि आइसोटोपिक उसके अंदर एटम यूज करते हैं, ये ऑक्सीजन का आइसोटोप है जिसका मास नंबर 18 होता है, जनरली ऑक्सीजन का 16 होता है, ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। ये लेबलिंग इसलिए की जाती है ताकि ये पता चल जाए कि वो एटम रिएक्शन में कहाँ जाने वाला है। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप निकल रहा है और एल्कोहल का H निकल रहा है जिससे बना वाटर, क्लियर हुआ, और एक कंपाउंड बना हमारा एस्टर। आपने देखा होगा कि जो आप डिफरेंट जैम खाते हैं, चाहे किसान जैम हो या कोई भी फ्रूट जैम हो, उसमें आप फ्रूटी स्मेल आपको आती है, अच्छी लगती है वो स्मेल। क्या आपको मजे की बात पता है कि जो हमारे जैम होते हैं जब वो बनाए जाते हैं तो उनमें फ्रूट की स्मेल बाकी रहती ही नहीं है, उनमें ऐसे ही केमिकल, डिफरेंट केमिकल एस्टर बना के डाले जाते हैं एज ए फूड एडिटिव, जिससे उसमें फ्रूटी स्मेल आए और बच्चों को वो अच्छा लगे, क्लियर। अब बच्चों अगला लेते हैं, ऑक्सीडेशन इन दिस रिएक्शन एल्कोहल लूजेज 1 or 2 H एटम। एल्कोहल तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो ध्यान रखिएगा प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी और इजीली हो जाता है देन डेट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। आइए देखते हैं कैसे। प्राइमरी एल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन, दे आर इजीली ऑक्सीडाइज बाय K2Cr2O7 और एसिडिक एमिनोफोर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारे प्राइमरी एल्कोहल होते हैं वो K2Cr2O7 और एसिडिक एमिनोफोर जैसे जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज होके इजिली कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे CH3CH2OH को हमने ऑक्सीडाइज किया, इन दोनों में से कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, और यहाँ से बच्चों H, एक H यहाँ से आएगा और एक H यहाँ से बाहर निकला, तो देखिए क्या बचेगा, CH3CHO, ये आपका निक बना। अब एल्डिहाइड जो होता है वो एल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो बच्चों यहाँ पर ये रिएजेंट इस रिएक्शन के अंदर पड़ा रहता है, जैसे एल्डिहाइड बनेगा वो आगे ऑक्सीडाइज होके बना लेगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर हुआ। अब लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, दे नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कंसेंट्रेट HNO3। आपको बताया था कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में प्राइमरी एल्कोहल ही होता है जो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज जाता है, लेकिन सेकेंडरी मुश्किल से होता है और टर्शियरी तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल से होता है, और यहाँ पर यूज करना पड़ता है हमको कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड जैसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब जाके सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो पाएगा। जब आप सेकेंडरी एल्कोहल में कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो ये दोनों H निकल जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। कीटोन जो होते हैं वो एल्डिहाइड के कंपैरिजन में डिफिकल्टी से ऑक्सीडाइज होते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ ऐसे। ये हमारा टर्शियरी एल्कोहल है, टर्शियरी एल्कोहल में हमने कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ इसको स्ट्रॉन्गली हीट करना पड़ता है क्योंकि ये इजीली
ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये विग्रस कंडीशन में यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में जाके ऑक्सीडाइज होता है और एल्कीन देगा, और एल्कीन फर्दर ऑक्सीडाइज होके हमको कीटोन देगा, और कीटोन जो है वो ऑक्सीडाइज होके हमको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। अगर आपको पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन ऑर्डर क्या होगा, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन का ऑर्डर सबसे इजीली प्राइमरी में, उसके बाद सेकेंडरी में, और सबसे पुअरली टर्शियरी एल्कोहल में होगा। अब लेते हैं बच्चों बी पार्ट, ये है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। स्टार्टिंग में बताया था कि एल्कोहल में दो तरह से रिएक्शन होती है, एक जब OH के बीच का बॉन्ड टूटता है और एक जब कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो ये बॉन्ड टूटेगा और देखिए कैसे क्या बनेगा। पहला है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ पे आप HF को छोड़ के कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HCl या HBr या HI कोई भी यूज कर सकते हैं बच्चों, HF यूज नहीं करना है, और इससे बनेगा आपका एल्काइल हैलाइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे ROH हमने जनरल एल्कोहल लिया हुआ है, कोई भी ले सकते हैं, यहाँ मिथेनॉल, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या टर्शरी एल्कोहल, और जब आप HCl से कराएंगे तो यहाँ से ये ROH का बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूट के यहाँ पे Cl आ जाएगा, क्लियर है आपको, और जो H बचेगा वो OH के साथ जाके बना लेगा वाटर। ऐसे ही यहाँ पे HBr का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से Br निकलेगा, वो R के साथ कंबाइन होके RBr देगा, OH H के साथ जाके H2O देगा, HI के साथ करेंगे तो RI बनेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। दूसरा लेते हैं बच्चों रिएक्शन विद PX3, PX5 या SOCl2, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, और ये रिएक्शन कहलाती है क्लोरीनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर यहाँ पर इन रिएजेंट की हेल्प से OH की जगह Cl ग्रुप किया जाता है, तो देखिए क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड्स आर ऑब्टेंड। कैसे, इसको फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बोलते हैं, इसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं, इसको सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं, और ये कॉमन क्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं, क्लोनी कारक होते हैं, जो किसी भी कंपाउंड में क्लोरीन एटम को भेजते हैं। तो देखिए ROH का बॉन्ड टूटेगा कुछ ऐसे, ROH का बॉन्ड टूटा, यहाँ से R निकलेगा, यहाँ से Br लेगा, RBr बनेगा और H3PO3 बनेगा, यहाँ से ROH का बॉन्ड टूटा, यहाँ से Cl लिया, RCl बना, POCl3 बना, HCl बना, और यहाँ पे SOCl2 लेंगे तो यहाँ से Cl लेके RCl बनेगा और SO2 और HCl निकलेगा। डिफरेंट एग्जाम में रेगुलरली आने वाला क्वेश्चन रहता है बच्चों, क्लियर हुआ आपको। अब लेते हैं बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ऑन ट्रीटिंग विद कंसनट्रेट H2SO4 और H3PO4 और एनहाइड्रस CaCl2 और Al2O3 गिव एल्कीन। आपके एल्कोहल को अगर कंसनट्रेट H2SO4 या फास्फोरिक एसिड या फिर एनहाइड्रस CA कैल्शियम क्लोराइड या फिर एल्यूमिना के साथ किसी एक के साथ अगर आप उसको गर्म करेंगे तो उससे वाटर बाहर निकल जाएगा और एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। कैसे जानते हैं, यहाँ पे हमने ये अल्कोहल को ऐसे दिखाया हुआ है, जिस कार्बन पे OH लगाया वो पहला वो कार्बन होगा बच्चों, और उसके बाजू वाला कार्बन जो है वो दूसरा कार्बन होगा, क्लियर है आपको। तो यहाँ पर जब आप इसको किसी भी रिएजेंट की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो पहले कार्बन से OH और दूसरे कार्बन से H निकलेगा, तो निकल गया आपका पानी, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा डबल समझे जानी, और ये बन जाएगा हमारा एल्कीन। ये रिएक्शन कहलाती है 1-2 shift भी कहलाती है, और यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर लगाना पड़ता है सेटजफ रूल, वो हम आपको अलग से डिस्कस करेंगे। अब इस पे क्वेश्चन बनता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल का, कि सर जब डिहाइड्रेशन होगा एल्कोहल का और हमको एल्कीन बनाना हो तो कौन सा एल्कोहल सबसे इजीली जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो एल्कोहल जिसमें कार्बन का नंबर सबसे ज़्यादा होगा वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन बहुत ईजीली देगा। तो यहाँ पे टर्शियरी एल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल में कार्बन का नंबर कम होता है इसलिए ये रिएक्शन थोड़ा मुश्किल से देगा, लेकिन टर्शियरी एल्कोहल जल्दी देगा। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने आज डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। आप जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल दो तरीके से होती है, जब एल्कोहल में पहले OH का बॉन्ड टूटे और दूसरा जब ROH के बीच का बॉन्ड टूटे। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, अगर कोई डाउट आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।